नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद अब चुनाव प्रचार की गहमा गहमी भी चल रही है। और इस बीच ही बीजेपी खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने विधानसभा की सभी 68 सीटों के लिए चुनाव प्रचार की जो योजना है वो बना ली है। और सूत्रों का ये भी कहना है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका काफी अहम होगी। वो चुनाव प्रचार अभियान के आकर्षण के केंद्र में होंगे और उनके अलावा बीजेपी के कई दिग्गज और लोकप्रिय नेता भी हिमाचल में चुनाव प्रचार करने पहुंच चुके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रदेश में ही बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं सूत्रों का ये भी कहना है कि बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए योजना बनाई जो तैयार की है और प्रदेश के सभी 68 सीटों के लिए खास प्लान भी तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में 4 रैलियां करेंगे और संभावना ये भी है कि पीएम मोदी 5 नवंबर 2022 को ताबड़तोड़ 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएम मोदी पहली रैली शिमला लोकसभा सीट के तहत ही आने वाले सोलन जिले में करेंगे और वो उसी दिन ही दूसरी रैली को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की दूसरी रैली मंडी लोकसभा सीट के तहत आने वाले सुंदरनगर में होगी। बॉलीवुड जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर डायरेक्टर इस्माइल श्रॉफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। 62 साल की उम्र में मुंबई में मौजूद कोकिला बेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इस खबर के सामने आते ही बॉलीवुड की गलियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। तमाम फिल्मी सितारे और फैंस फिल्म मेकर को नम आँखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार ब्रेन स्ट्रोक के चलते ही उनकी मृत्यु हुई है और इस्माइल को शुरू से ही फिल्मों का शौक था। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया और लेकिन सबसे ज़्यादा शोहरत जो उन्हें मिली थी 80 के दशक में बनाई गई फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से मिली थी। और इस फिल्म को उनके भाई मोइनुद्दीन ने लिखा था और इसके अलावा उन्होंने आस्थमा और आहिस्था अगर बुलंदी और सूर्य गॉड एंड गन पुलिस पब्लिक निश्चय दिल और आखिर दिल है झूठा सच लव 86 जिद थोड़ा तुम बदलो थोड़ा हम जैसे तमाम हिट और चर्चित फिल्मों का निर्देशन किया है। भाई दूज के मौके पर शीतकालीन के लिए भगवान केदारनाथ धाम के कपाट सुबह 8:30 बजे बंद कर दिए गए। आपको बता दें कि किए जाएंगे, इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर 8:30 बजे बंद किए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि ये सुबह ही भाई दूज के मौके पर ही शीतकालीन के लिए भगवान केदारनाथ धाम के कपाट जो है सुबह 8:30 बजे बंद किए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें 29 अक्टूबर को डोली अपने शीतकालीन पूजा गद्दी स्थल ओकारेश्वर मंदिर अखिल मठ में विराजमान होगी। उधर दोपहर 12:09 पर ही यमुनोत्री धाम में मां यमुना मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे और माता की डोली अपने मायके खरसाली के लिए प्रस्थान करेगी। आपको बता दें कि बुधवार को ही केदारनाथ में बाबा केदार के पंचमुखी भोग मूर्ति को चल उत्साह विग्रह डोली में विराजमान कर भंडार गृह से मंदिर के सभा मंडल में ही विराजमान किया गया। और बृहस्पतिवार को तड़के 4 बजे से मुख्य पुजारी टी गंगाधर लिंक द्वारा केदारनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना शुरू हुई। और साथ ही आपको बता दें कि ज्योतिर्लिंग को भी समाधि रूप देते हुए भस्म से ढका गया और इस मौके पर बाबा केदार के पंचमुखी भोग मूर्ति का श्रृंगार कर चल विग्रह उत्सव डोली में विराजमान किया गया और अन्य धार्मिक औपचारिक कर्ताओं को भी पूरा करते हुए ही प्रशासन और बीकेटीसी अधिकारियों की मौजूदगी में मंदिर के कपाट बंद कर चाबी एसडीएम उखी मठ को सौंपी गई है। तो आपको केदारनाथ से खबर बता रहे हैं जहां पर शीतकालीन जो द्वार थे वो बंद कर दिए गए हैं 8:30 बजे। और इसके साथ ही भाई दूज का आज त्यौहार है,
जिसके चलते शीतकालीन के लिए आज कपाट जो है बंद कर दिए गए हैं। मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की गई थी, जिसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो बंद कर दिए गए। भारत के पूर्वोत्तर राज्य और बांग्लादेश में ठीक ठाक तबाही मचाने के बाद सितरंग तूफान अब पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है। फिलहाल ये तूफान कमजोर होकर असम और आसपास के क्षेत्र में है और एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र पश्चिम मध्यम बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है। इन राज्यों में अगले 24 घंटे में ठीक ठाक बारिश हो सकती है और बांग्लादेश में सितरंग तूफान के चलते ही कई मकान ढह गए और इसके अलावा कई पेड़ उखड़ भी गए हैं और सड़क संपर्क और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। मंगलवार को तटीय क्षेत्र के निकटवर्ती जिलों में करीब 1 करोड़ लोगों को बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाई है और प्रोथोम एलो अखबार जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि मंगलवार को ही शाम 6 बजे 64 में से 16 प्रासंगिक जिलों में ही 35 लोगों की मौत होने की सूचना मिली थी। हालांकि अधिकारियों ने अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि की है, अन्य को सभी लापता की श्रेणी में रखा गया है। तो आपको खबर बता रहे हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और इसके साथ ही भारत के पूर्वोत्तर राज्य और बांग्लादेश में ठीक ठाक तबाही मचाने के बाद जो सितरंग तूफान है अब पूरी तरह से कमजोर पड़ चुका है। फिलहाल ये तूफान जो है कमजोर होकर असम और आसपास के क्षेत्रों में एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। इन राज्यों में ही अगले 24 घंटे में ठीक ठाक बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश में सितरंग तूफान के चलते ही कई मकान भी ढहे थे, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है और इसके अलावा कई पेड़ भी उखड़ गए हैं और सड़क संपर्क और बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। और इतना ही नहीं, मंगलवार को तटीय क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में भी करीब 1 करोड़ लोगों को बिजली की आपूर्ति जो है वो नहीं हो पाई है। और जानकारी ये भी है कि मंगलवार को ही शाम 6 बजे 64 में से 16 प्रशासनिक जिलों से 35 लोगों की मौत की सूचना मिली थी। हालांकि अधिकारियों ने अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि की है, अभी तक कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, अन्य को सभी लापता श्रेणी में रखा गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।